भाई एशिया सीरीज का एक और मैच खत्म हुआ लेकिन रिजल्ट सेम रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से जीत ली है, जहां स्कॉट पोलैंड नाम के आंधी ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ओवरऑल देखा जाए तो पोलैंड के हाथ 7 विकेट लगे हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग के दौरान उन्होंने 1 विकेट निकाला था, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 6 विकेट अपने नाम करे थे इन 4 ओवर्स, जिसमें कि 1 मेडन गया था, मात्र 7 रन दिए थे और 6 विकेट अपने नाम किए थे इन द सेकेंड इनिंग। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो ओवरऑल मिचेल स्टार्क ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी और टोटल 5 विकेट अपने खाते में एकत्रित किए थे। और ओवरऑल देखा जाए पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 185 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, जिसमें कि जो रूट ने 50 रन की पारी खेली थी और इन्हें साथ मिला था जॉनी बेयरस्टो का, जिन्होंने 35 रन बनाए थे। हालांकि देखा जाए तो इंग्लैंड अभी तक बल्ले से शानदार परफॉर्मेंस देने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो भाई एक बार फिर मार्कस हैरिस ने अच्छा परफॉर्म किया है, 76 रन ठोके हैं और इन्हें साथ मिला था थोड़ा बहुत डेविड वार्नर का, जो कि जल्द ही आउट हुए थे। टीम की तरफ से एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, 267 रन इन्होंने भी लाए थे 10 विकेट पे, जहां पर जेम्स एंडरसन के हाथ लगे थे 4 विकेट, ऑली रॉबिन्सन ने 2 विकेट निकाले थे और मार्क वुड ने भी 2 विकेट अपने नाम करे थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई इंग्लैंड की पारी मात्र 68 रनों पर निपट गई थी। 27 ओवर और 4 बॉल टीम खेल पाई थी। अब दोस्तों एशेज का चौथा मैच जो है वो खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि होगा 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच। अब यहां पर क्या इंग्लैंड पासा पलट पाएगी, मैच जीत पाएगी, देखना होगा दिलचस्प, क्योंकि हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया फुल पावर के साथ ये सीरीज डोमिनेट करने में लगी हुई है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या इस बार ऑस्ट्रेलिया 5-0 से ये सीरीज जीतेगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।